हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गार्लिक पराठा बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने ये बटर लिया है, 1 चम्मच बटर है, मेरा एक घर का बना हुआ बटर है। आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। इसे मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रो कर लूंगी। बटर काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसी के लिए मैंने 5 कली लहसुन के लिए इसे बारीक बारीक कट कर लिया। इसी में आप डाल दीजिए। ये प्रोसीजर आप पैन में भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 चम्मच लिया है। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। जब घी हमारा, मतलब जो हमने बटर लिया है, तो जब थोड़ा हमारा गर्म रहे, जब भी हमें सारी चीजें इसमें मिक्स करना है, इससे इसका फ्लेवर टेस्ट जो काफी बढ़ जाए। मैंने 1/2 चम्मच ये ऑरिगेनो लिया है। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास रखा हुआ, इसे आप जरूर डालिए, इससे टेस्ट जो है काफी बढ़ जाता है। इसी के अंदर मैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इसे भी इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। बस इसे अभी हम कुछ सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए इसे हम माइक्रो करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 15 सेकंड करना है। मैंने इसे 15 सेकंड के लिए माइक्रो कर लिया था। ये देखिए, सारी चीजें हमारी बटर में काफी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसकी खुशबू भी काफी बढ़िया आने लगी। इसीलिए हमने ये प्रोसेसर करा, इससे इसका टेस्ट जो है काफी बढ़ जाता है। यही स्टेप आप सेम गैस पे भी कर सकते हैं। मैंने कि मिक्सिंग बाउल लिया है। इसी के अंदर मैं 1 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे मैदे से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे से बना सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। इसी के अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, नमक 1/2 चम्मच से कम। मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका मीडियम बैटर तैयार करना है। जो बिगनर है, जिसे उन लोगों को आटा गूंथने में हाथ गंदे होते हैं, ये सब दिक्कत आती है, जिन लोगों को आटा गूंथना नहीं आता है, वो भी इस रेसिपी को आज बना सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सर है तो ये चीज आप मिक्सी के अंदर भी कर सकते हैं। मिक्सी का जो बड़ा वाला जूसर वाला जो जार रहता है, उसमें इसे डाल लीजिए, सारी चीज इसमें ऐड कर दीजिए, 1 कप आप पानी डाल दीजिए, उसके बाद इसे चला लीजिए। जितने पानी की हमें जरूरत लगती जाएगी, उस हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए, 1 कप पानी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है, ताकि इसमें इस तरह से डालने में कई बार लम्स जो बन जाते हैं, वो हमारे लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। 1 कप मैंने पूरा पानी इसमें ऐड कर दिया है। मैंने 1/2 कप पानी और लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे और इसका मीडियम आटा तैयार करना है। आटे के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपका आटा ज्यादा बारीक रहेगा तो पानी कम लेगा, अगर थोड़ा सा दरदरा आटा रहेगा तो पानी ज्यादा लगेगा। इसे आपको फेंटना अच्छे से है। देखिए, अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। 2 से 3 चम्मच पानी और डाला इसके अंदर। इसे फेटिए अच्छे से, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुठली या लम्स ना रहे। ये देखिए, बस इतना ये ठीक है। इससे ज्यादा हमें इसे लिक्विड नहीं करना है। 1/2 कप में से मेरा 1/4 कप पानी बच गया है, मतलब 1 कप और समझ लीजिए 3 बड़े चम्मच पानी इसके अंदर लगा है। इसमें से अच्छे से फेंट रही हूँ। फेंटते समय साथ में जो हमने गार्लिक बटर तैयार करा है, इसे आप डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये इतना बचा रही हूँ इसके अंदर। साथ में मैं इसी में थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल रही हूँ। धनिया पत्ती डालने से इसका टेस्ट जो काफी बढ़ जाता है। बस इसे अब 5 मिनट थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए, आटा हमारा एकदम बढ़िया फूल भी गया है, थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है,
बस इसी तरह से हमें इसका बैटर चाहिए। गैस पे मैंने ये तवा गरम करने के लिए रखा है, इस पे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। इसे बटर पेपर से या फिर कपड़े से किसी भी चीज से पूरे तवे पे आप अच्छे से फैला दीजिए। गैस को मैंने अभी लो और मीडियम रखा है। इसी के साथ मैंने जो गार्लिक बटर तैयार करा था थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बटर और ऐड कर दिया। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने लिक्विड कर लिया। इसे भी आप साइड में रख दीजिए। एक चम्मच भर के मैंने ये बैटर लिया है, इसे इस पर डाल दीजिए। थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं और इसे बिल्कुल हल्का सा फैला, जिस तरह से हम डोसा चीला फैलाते हैं उसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं फैला रही हूँ। ज्यादा इस पर आपको दबाव नहीं डालना है, बस गैस को आपको लो और मीडियम रखना है जब तक इसकी पूरी ऊपर की परत ड्राई नहीं हो जाती है। ये देखिए ऊपर की परत इसकी पूरी अच्छे से ड्राई हो गई है। जो हमने गार्लिक बटर तैयार करा था इसे इस पर आप डाल दीजिए। आप चाहे तो घी या तेल से भी इसे सेकते हैं या फिर इसी तरह से गार्लिक बटर से सेकने से इसकी जो खुशबू है और ज्यादा बढ़ के आती है। जब तक ऊपर की इसकी परत ड्राई नहीं हो जाए जब तक आपको कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। इस तरफ भी मैं थोड़ा सा इसे लगा रही हूँ। दोनों तरफ से इसे हमें पलट के बिल्कुल हल्के से ही निशान लाना है, बहुत ज्यादा इसे कड़क नहीं सेकना है हमें। बस गैस को आपको लो और मीडियम ही रखना है। इस तरह से दबा दबा कर भी इसे सेक सकते हैं ताकि एकदम अच्छे से हमारा सिक जाएगा। बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आपको प्रेस करना है। इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से इसमें निशान आए। थोड़ा सा और डार्क करेंगे इसे हम। देखिए काफी अच्छे से इसमें अब कलर आ चुका है, बढ़िया हो गया है। नीचे साइड से भी इसमें बढ़िया कलर आ गया। बस इसी तरह से मैं सारे पराठे बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए मेरे पराठे ये बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया, जिस तरह से इसे हम मोड़ेंगे काफी अभी गर्म है ये। ये देखिए जिस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे उस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर इसे आप थोड़ा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इसे आप तवे पर सेक लीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। टेस्ट में बिल्कुल बढ़िया है। गार्लिक ब्रेड बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय लगता है, प्रोसीजर भी उसका काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबा रहता है। उसे आप काफ़ी टाइम तक बेक करेंगे, आटा गूंथेंगे, बनाएंगे, सब में टाइम ज़्यादा लगता है। ये झटपट बनके भी तैयार हो जाता है, हमारा टाइम भी कम लगता है, लेकिन टेस्ट हमें उससे मिलता जुलता आसानी से मिल जाता है। क्रिस्पी करेंगे तो आपको क्रिस्पी टेस्ट आएगा, सॉफ्ट रखेंगे सॉफ्ट टेस्ट आएगा। अगर आप कहीं बाहर सफर में जा रहे हैं इस तरह से पराठे को आप रोल करके भी रख लेंगे तो भी आपके दो दिनों तक के पराठे बिल्कुल भी खराब नहीं होते। बिल्कुल आसान तरीके से झटपट मैंने आपको ये बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।